आज मैं आपसे टोमेटो सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों में हमें गरम गरम चीज खाने को मिले तो बहुत ही पसंद आती है, तो चलिए आज बनाते हैं टमाटर का सूप। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिए हैं। तो 5 टमाटर लिए हैं, अच्छी तरह से पका होना चाहिए टमाटर, और 2 गाजर लिए हैं, ये ऑरेंज कलर का है, आपको यदि रेड मिले तो रेड ही ले, इससे कलर ज़्यादा अच्छा आएगा सॉस का। और 2 प्याज लिए हैं, छोटे साइज का है इसलिए 2 लिए हैं, आप बड़े ले रहे हैं तो एक ही ले। और लहसुन 4 कली लिए हैं और 1 हरी मिर्च, यदि बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसे ना ले हरी मिर्च को। और अदरक 1 इंच का टुकड़ा, जीरा आधा छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच लिए हैं, इससे कलर अच्छा आएगा सॉस का। और आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसे भी स्किप करें। और नमक 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च 10-12 पीस, चीनी 1 छोटी चम्मच, बटर या घी लेंगे 1.5 चम्मच लिए हैं मैंने, और 1 आलू यूज करेंगे इसमें, देखिए मैंने रख लिया आलू। और सूप के साथ क्रूटॉन्स सर्व किए जाते हैं, तो मैंने 2 ब्रेड को साइड से काट कर और छोटे छोटे क्यूब में काट लिए हैं इसे। चलिए बनाते हैं पहले इसे। तो आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, और इसे इस तरह से थोड़ी सी तेल डालकर इस तरह से फैला लेंगे और इसमें डाल लेंगे ये। इसे इस तरह फैलाकर मीडियम फ्लेम पर इसे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, इसे क्रिस्पी बनाएंगे इसे। तो देखिए एक तरफ से हो गया है, अब सारे पलट लेते हैं और दूसरे तरफ से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्पी सेकेंगे। तो देखिए दूसरे तरफ से भी सिक चुका है, अब सारे निकाल लेंगे। यदि आप नहीं ये बनाना चाहे तो ऐसे भी सूप सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये सर्व किए जाते हैं इसलिए मैंने इसे बनाकर आपको दिखा दी। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और सूप बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने सारे चीज़ों को काट लिए हैं, देखिए इस तरह से कट किए हैं, क्योंकि हमें सारे चीज़ों को पकाना ही है। तो चलिए अब गैस पर एक कुकर रखकर गैस ऑन कर लिए हैं, इसमें बटर डाल देते हैं, बटर को मेल्ट होने देते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें डालते हैं जीरा, और जीरा को इस तरह से भून लेंगे। तो जीरा अब क्रैकल हो चुका है, अब हम डालते हैं इसमें प्याज, लहसुन और ये अदरक, हरी मिर्च और तेज पत्ता। अब इन्हें सॉफ्ट होने तक भुनेंगे, थोड़ा कलर चेंज हो जाए प्याज का, तब तक इसे भून लेते हैं चलाते हुए। तो देखिए मैंने भून लिए हैं, प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब इससे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे। अब इसमें डालते हैं आलू, आलू सूप को गाढ़ा करेगा और अच्छा टेक्सचर देगा। वैसे सूप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा और लौकी से भी गाढ़ा किया जा सकता है, लेकिन आलू सभी के घर में इजली मिलता है तो इसलिए मैंने ये डाला है, और अच्छा भी बनता है सूप इससे। तो आप चाहे तो इनमें से कोई भी चीज़ डालें, अथवा इनके बिना भी बना सकते हैं सूप। तो अब आलू को डालकर इसे भी 1-1.5 मिनट भून लेते हैं पहले, फिर डालेंगे इसमें गाजर और टमाटर। तो आलू को 1-1.5 मिनट भून लिए हैं, अब इसमें डाल लेते हैं गाजर और टमाटर। अब इसमें नमक डाल लेते हैं, अभी आधा ही नमक डालेंगे, आधा सूप उबालते समय डालेंगे। अभी नमक इसीलिए डाले हैं कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट पकाने के बाद टमाटर देखिए सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम काली मिर्च और पानी डालते हैं, काली मिर्च अब डाल लिए, अब डालते हैं पानी। इसमें पानी अभी 2 कप डालेंगे और 3 कप पानी बाद में डालेंगे। तो अब कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं और कुकर में 1 सीटी आने देंगे। तो कुकर में सीटी लग चुका है, गैस का फ्लेम लो कर लेते हैं और 2 मिनट इसे पकने देते हैं। तो अब 2 मिनट हो चुका है, गैस ऑफ कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने तक इंतज़ार करते हैं। तो कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है, अब हम इसका ढक्कन खोलकर और इसे छान लेते हैं, जल्दी से ठंडा हो जाए तो इसे पीस लेंगे हम। तो एक छलनी के सहायता से इसे छान लेते हैं पहले। अब इनमें से तेज पत्ता निकाल देते हैं, सिर्फ फ्लेवर के लिए डाले थे। तो अब ये छान लिए, अब ये मिक्सी जार में डाल लेते हैं, और पानी को भी मत फेंकिएगा, इसे भी हम यूज करेंगे सूप में। तो अब ठंडा हो चुका है, अब इसे हम पीस लेते हैं।
देखिए बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है। अब इसे छान लेते हैं, यही छलनी पर डालकर छान लेंगे हम, और ये पानी भी डाल देंगे तो जल्दी से छन जाएगा ये। देखिए कितने अच्छे से छन गया। अब इसे हटा देते हैं और गैस ऑन कर लेते हैं। अब इसमें 3 कप पानी डाल लेते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चीनी और नमक डालकर इसे मिला लेते हैं और सूप में उबाल आने देंगे। तो सूप उबल चुका है, इसे 1 मिनट पका लेते हैं चलाते हुए। सूप को 1 मिनट पका लिए हैं, देखिए गैस का फ्लेम लो करके आपको दिखाती हूँ कलर कितना अच्छा आया है। अब ये हमारा सूप तैयार हो चुका है पीने के लिए, तो गैस बंद कर देते हैं और इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ। देखिए बहुत पतला और बहुत गाढ़ा सूप अच्छा नहीं लगता है, इसका कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है। तो अब इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, मैंने सूप को सर्व कर लिए और बहुत ही बढ़िया सूप बना है और नेचुरल कलर का है। यदि आप इससे ज़्यादा लाल कलर का सूप पसंद करते हैं तो इससे पकाते समय कुछ टुकड़ा बीटरूट का अथवा 1 पिंच रेड फूड कलर का डाल लें तो रेड कलर का सूप हो जाएगा। वैसे कलर डालकर खाना अच्छी बात नहीं होती है सभी चीज़ें में। सूप को गर्मा गर्म ऐसे ही सर्व कर सकते हैं अथवा थोड़ा क्रीम डालकर इस तरह से सर्व कर सकते हैं, अथवा क्रूटॉन के साथ इस तरह से डेकोरेशन करके सर्व कर सकते हैं, अथवा पर से धनिया पत्ता डालकर सर्व कर सकते हैं। तो आप ये सूप बनाकर सर्व कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।